फतेहपुर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। मान्यता यह है कि इस जिले की स्थापना जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह के आदेश पर हुआ था। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र की स्थापना 1519 में फतेहमंद खान ने सुल्तान अलाउद्दीन के आदेश पर की थी, परंतु इस मान्यता का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। सन 1736 से पहले इस क्षेत्र पर मराठों का कब्जा था, लेकिन उसके बाद से पठान शासकों ने इसको अपने अधीन कर लिया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फतेहपुर जिला के लोगों ने अपना अहम योगदान दिया था, जिनकी वीरता की गाथा आज भी फतेहपुर जिला के लोग गाते हैं। फतेहपुर जिला में मौजूद भिटौरा व आसानी के घाट का उल्लेख पुराण में एक पवित्र स्थल के रूप में किया गया है। फतेहपुर जिला गंगा व यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गंगा व यमुना नदी के किनारे पर बसा फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 120 किलोमीटर तथा देश की राजधानी यानी कि नई दिल्ली से 570 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लगभग 4152 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैले फतेहपुर जिला की कुल आबादी 26,32,000 है। इस 26,32,000 में 13,84,000 पुरुष तथा 12,48,000 महिलाएं मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से फतेहपुर जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग यानी कि तीनों मार्गों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, रेल मार्ग। फतेहपुर जिला का मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम फतेहपुर रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड FTP है और फतेहपुर रेलवे स्टेशन में 3 प्लेटफॉर्म मौजूद है। यह रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, मुगलसराय कानपुर सेक्शन पर स्थित है और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के प्रयागराज डिवीजन के अंतर्गत आता है। फतेहपुर रेलवे स्टेशन के माध्यम से नेताजी एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, टाटा नगर एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें यहां से गुजरती हैं, जो आगे चलकर भारत के विभिन्न हिस्सों तक जाती हैं। नंबर दो, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के माध्यम से फतेहपुर जिला उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। इस जिला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 2 गुजरती है, जो कि प्रयागराज को कानपुर से जोड़ती है। इसके अलावा और भी कई सारे बाईपास सड़क इस जिले में मौजूद है, जो कि पड़ोसी जिलों में जाते हैं। इसके अलावा फतेहपुर जिला में मौजूद फतेहपुर बस स्टैंड के माध्यम से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज आदि बड़े शहरों तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बस सेवा संचालित की जाती है। नंबर तीन, हवाई मार्ग। फतेहपुर जिला में कोई भी हवाई मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहाँ का सबसे निकट में स्थित एयरपोर्ट कानपुर का एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा लखनऊ का एयरपोर्ट यहाँ से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। दोस्तों, फतेहपुर जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। फतेहपुर जिला में कई ऐसे घूमने के स्थान हैं जहां पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन सा खास घूमने के स्थान है जो कि फतेहपुर जिला में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर एक, 52 इमली का पेड़। यह एक प्रकार का स्मारक है और यह स्मारक स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बलिदान का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को ब्रिटिश सेना इमली के पेड़ पर 52 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी थी। जिस पेड़ पर सेनानियों को फांसी दी गई थी वह इमली का पेड़ था। हैरत की बात यह है कि वो इमली का पेड़ आज भी यहाँ पर मौजूद है। लोगों का कहना है कि इस नरसंहार के बाद इस पेड़ का जो वृद्धि है वो रुक गई है। आज के समय में यहाँ पर उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद में स्मारक बनवाया गया है। यह स्थान फतेहपुर जिला के बिंदकी उप विभाग के खुजहा में स्थित है। 52 इमली का पेड़ स्मारक फतेहपुर जिला के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है और ये देश के बलिदान का एक प्रमाण भी है। नंबर दो, ओम घाट। गंगा नदी के किनारे पर स्थित ओम घाट जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर प्रसिद्ध संत भृगु ने लंबे समय तक पूजा की थी। यहाँ पर गंगा नदी का प्रवाह उत्तर दिशा में है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा माना जाता है। ओम घाट हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, जहाँ हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। नंबर तीन, हजारी लाल का फाटक। अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के उद्देश्य से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें देश के सभी हिस्सों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे।
उस समय फतेहपुर जिला का मुख्य केंद्र बिंदु हजारीलाल फाटक था। बलिया के कर्नल भगवान सिंह ने उस समय जिले के लगभग 800 स्वतंत्रता सेनानियों की कमान इसी हजारीलाल फाटक पर संभाली थी। फतेहपुर के आसपास के क्रांतिकारी इस हजारीलाल फाटक पर इकट्ठा होकर अंग्रेजों से किस तरह से मुकाबला की जाए उसकी योजना बनाते थे। कहा जाता है कि हजारीलाल फाटक एक ऐतिहासिक स्थल है। किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर इस फाटक को पूरी तरीके से सजा दिया जाता है। हजारी फाटक फतेहपुर जिला के मुख्य शहीद स्मारक और ऐतिहासिक स्थलों में से एक माना जाता है। नंबर 4, हथगामा। यह महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी एवं उर्दू के मशहूर शायर इकबाल वर्मा का जन्म स्थान है। कहा जाता है कि इस जगह पर राजा जय सिंह ने हथशाला थी। इसे सिखों के पांचवे गुरु अर्जुन देव जी के तपस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। इसके अलावा फतेहपुर जिला में विटौरा, शिवराजपुर, तेंदुकी आदि प्रमुख पर्यटक स्थल मौजूद है, जिनकी व्याख्या एक वीडियो में करना संभव नहीं है। अगर शिक्षा की बात करें तो फतेहपुर जिला की साक्षरता दर 58% है, यानी कि 58% लोग फतेहपुर जिला में पढ़े लिखे हैं। इस जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम ठाकुर युवराज सिंह डिग्री कॉलेज, तिरहुत राज महाविद्यालय, उदय प्रताप सिंह महाविद्यालय, अभय प्रताप सिंह डिग्री कॉलेज, सदानंद डिग्री कॉलेज और भी कई सारे स्कूल व कॉलेज फतेहपुर जिला में मौजूद हैं, जो कि यहां के बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। दोस्तों, फतेहपुर जिला अपने कई सारे पड़ोसी जिलों के साथ घिरा हुआ है, जिसमें हमीरपुर जिला, चित्रकूट जिला, बांदा जिला, कौशाम्बी जिला, कानपुर नगर जिला, कानपुर देहात जिला, उन्नाव जिला और रायबरेली जिला। फतेहपुर जिला लगभग 8 पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। अगर व्यवसाय की बात करें तो फतेहपुर जिला का जो मुख्य व्यवसाय है वो चादर बनाने के कारखाने तथा कपड़ों पर डिजाइन का उद्योग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फतेहपुर जिला में कोई बड़ा उद्योग न होने के कारण यहाँ के वासी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि बड़े शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर है। इसके अलावा यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि पर आधारित है। मटर, जौ, गेहूं, अरहर इस जिले की मुख्य फसलें हैं। गंगा नदी के तराई क्षेत्र में बसे होने के कारण यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा उपजाऊ है। रबी की फसलें यहाँ पर मुख्य मानी जाती है। दोस्तों, फतेहपुर जिला में 13 ब्लॉक, 20 पुलिस स्टेशन, 9 अस्पताल, 6 कॉलेज और 7 नगर पालिका तथा 1552 गाँव मौजूद है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित फतेहपुर जिला के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।